जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में कोहली के बल्ले से शतकीय पारी की उम्मीद थी, लेकिन 0 रन पर आउट होकर विराट कोहली ने सभी फैंस को निराश कर दिया है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के दूसरे दिन एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 8 गेंद खेलकर कोहली अपना खाता नहीं खोल सके और बेन स्टोक की गेंद पर विकेट कीपर बेन फॉक्स को कैच दे बैठे। यानी कि जो पहली इनिंग में झगड़ा हुआ था बेन स्टोक और विराट कोहली के बीच बातों ही बातों में, शायद बेन स्टोक ने उसका बदला ले लिया और उनको दिलासा मिल गई होगी। लेकिन दोस्तों फैंस के लिए काफ़ी निराशा वाली बात है कोहली के। इसी के साथ कोहली बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट होने के मामले में पहले नंबर पर पहुँच गए हैं। ये भी एक अपने आप में ही खास रिकॉर्ड है। बताया दोस्तों, भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए 8वीं बार 0 पर आउट हुए महेंद्र सिंह धोनी भी बतौर भारतीय कप्तान 8 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। लेकिन धोनी ने 60 टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी की थी और कोहली का भी बतौर भारतीय कप्तान यह 60वां मुकाबला ही है। यानी कि देखा जाए तो 60 मैच में कोहली और धोनी दोनों बराबरी कप्तानी पर हैं, लेकिन 8 बार 0 पर कोहली भी आउट हुए हैं और 8 बार 0 पर धोनी भी। तो कह सकते हैं दोस्तों कि एक अपने आप में ही ये अनूठी जोड़ी है जो सचमुच एक दूसरे का ही मुकाबला कर रही है। लेकिन कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट होने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुँच गए हैं, क्योंकि कोहली और सौरभ गांगुली बतौर भारतीय कप्तान 13-13 बार 0 के स्कोर पर आउट हुए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी जो कि 11 बार आउट हुए हैं 0 पर, तीसरे नंबर पे हैं कपिल देव जो कि 10 बार आउट हुए हैं। लेकिन कोहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बतौर भारतीय सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट होने के मामले में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट चैंपियनशिप में वह चौथी बार खाता खोलने में नाकाम रहे। इस मामले में उन्होंने जसप्रीत बुमराह की बराबरी की है। जी हाँ दोस्तों, एक गेंदबाज की जो कि कभी कभार बल्ला पकड़े मैदान पर दिखता है, उस गेंदबाज की बराबरी अब सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली ने कर ली है 0 के मामले में। सचमुच काफ़ी शर्मनाक रिकॉर्ड है। इसके अलावा टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान मोहम्मद शमी और चेतेश्वर पुजारा भी 3-3 बार 0 रन पर आउट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हर किसी के जीवन में अच्छा बुरा समय जरूर आता है। कह सकते हैं थोड़ा कोहली का इस समय साथ नहीं दे रहा है, लेकिन टीम का साथ मिल रहा है, वो अच्छी बात है, टीम जीत रही है। लेकिन कोहली के बल्ले से रनों का इंतजार अब भी जारी है। कब आएगी इनके बल्ले से शतकीय पारी, क्योंकि काफ़ी महीना काफ़ी अरसा बीत चुका है जब कोहली के बल्ले से आखिरी बार शतकीय पारी आई थी। क्योंकि दोस्तों सभी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगर सचिन तेंदुलकर यानी कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का कोई रिकॉर्ड 100 सेंचुरी का तोड़ सकता है, तो वही सिर्फ एकमात्र बल्लेबाज विराट कोहली हो सकते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प है कि क्या कोहली कर पाएंगे ये कमाल। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्या है आपकी राय। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।